हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? जिनका सेंटर 1 होता है। दो टू सर्कल की बात की गई है और दोनों का सेंटर जो होगा 1 ही होगा और उनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ बतानी है ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को टच करती है। राइट, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टू सर्किल बनाने हैं, वन सर्किल राइट जिसका सेंटर ओ है और दूसरा सर्किल जिसका सेंटर भी ओ ही है। राइट, अब इसमें बताया है टू कंसेंट्रिक सर्किल्स है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो इस जो स्मॉलर सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बिगर सर्किल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। राइट, उससे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है लार्जर सर्किल की। लार्जर सर्किल की लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है जो कि स्मॉलर सर्किल को टच करती है। राइट, तो अब इसकी हम रेडियस की बात करें बिगर सर्किल की या लार्जर सर्किल की, तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। राइट, ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंटर है सेंटर कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करता है। इट्स मीन अगर हम बात करें, ये ओ हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। राइट, अब हम इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ सी में सी 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए ओ सी में क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। राइट, एच है हमारे पास, ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। इट्स मीन ए ओ, आई मीन ए ओ कितना है हमारे पास 5 और पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर, हम किसी को भी लैड कर सकते हैं, इसको 3 लैड कर लेते हैं और बेस हमें फाइंड करना है। सो 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये बेस स्क्वायर। राइट, सो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर हमें बी फाइंड करना है तो अंडर रूट 16 दैट इज 4 हो जाएगा। राइट, 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो हमारा ये ए सी आ गया वो 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर यहाँ हम राइट कर सकते हैं। सो ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो स्मॉलर लार्जर सर्किल को टच करती है, स्मॉलर सर्किल को टच करती है। राइट, ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे। सो ए बी फाइंड करना है, ए बी, और ए बी जो होता है हमारा वो 2 ए सी हो जाएगा। क्लियर, ए सी कितना है हमारा 4, दैट इज 2 4 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इतना ही सिंपल था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। राइट, ये है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, इसके सर्कमस्क्राइब ए सर्किल है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी प्रूव करना है। सो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये हमें पता है गिवन, गिवन क्या है, गिवन और टू, सो हमें कुछ नहीं करना है, प्रूफ में हमें लिखा हुआ है कि प्रूफ करना है, तो वो फॉर्मेलिटी होती है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें ये जो ए है राइट, अगर हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटर में और ये सर्किल है, तो ये क्या होता है हमारा ए पी जो होगा वो हमारा ए एस के इक्वल होगा। राइट, होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स ही कहलाते हैं ये सेंटर से, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन होते हैं और जो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, जो टेंजेंट्स ड्रॉन किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। इस मीन ए पी जो होगा वो ए एस के इक्वल हो जाएगा। राइट, ए पी एंड ए एस, ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट्स ड्रॉन drawn from external point A,
ए से ड्रॉन किए गए हैं। सो ए पी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी, राइट। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, देखिए ए पी ए एस के इक्वल क्या है ये बात ध्यान रखना हमें, कैसे प्रूव करना है हमें, ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है, सॉरी ए बी प्लस सी डी लेना है, राइट। सो अभी ए पी लिया है ए एस के इक्वल, अब क्या लेंगे बी पी बी क्यू के इक्वल। सिमिलरली बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर टू हो गया, राइट। एंड और क्या हो जाएगा अभी, इस किसके लेंगे सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर थ्री। एंड कितना हो जाएगा डी आर इक्वल्स टू डी एस, इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगी। एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ए पी बी पी सी आर डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, राइट। देखिए अब हमें पता है कि जो ए पी प्लस बी पी है वो कितना है ए बी, कैन बी राइट, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा सी आर प्लस डी आर, वो हो जाएगा हमारा सी डी, राइट। अब बात करते हैं ए एस और डी एस, ए एस और डी एस कितना हो जाएगा ए डी, ए एस और डी एस ए डी, राइट। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा बी सी, राइट। सो हमें यही प्रूव करना था, ओके हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ओके okay?